हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो कल से हमने पंचायत सेक्रेटरी के लिए क्लासेस स्टार्ट की थी एंड दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर। सो और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया नीड्स नेबरिंग कंट्रीज। उससे पहले कल थोड़ा सा एक तो कंसेप्ट मैंने आपको और भी बताना था। वो क्या था कि कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शंस के बारे में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट इंडिया का कितने किलोमीटर है ये आपको पता होना चाहिए, 3214 किलोमीटर। ठीक है, एंड वेस्ट टू ईस्ट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 2933 किलोमीटर। ठीक है, एंड अगर आपको डायरेक्शंस लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। जैसे जे एंड के, हम कहाँ रहते हैं, जे एंड के में, ये तो आपको पता होना चाहिए कि हम नॉर्थ में रहते हैं, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट का अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो ईस्ट मीन्स ये जो इधर जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश स्टेट। ठीक है, तो अरुणा, अरुण का मतलब मीन्स क्या होता है, सन। तो सन कहाँ से राइज होते हैं, हम सब ने छोटे होते से पढ़ते आए हैं हमें कि द सन राइज इज़ फ्रॉम द ईस्ट। सो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, एंड दिस वन इज वेस्ट। ठीक है, सो अभी हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अवर लैंड बॉर्डर इज अप्रॉक्सीमेटली 15106.7 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री मीन्स जो जी लैंड के साथ, वाटर के साथ नहीं, लैंड मीन्स इधर से स्टार्ट होकर ये सारी जो लैंड बाउंड्री, नेपाल, फिर दिस वन, सारी कंप्लीट कितने किलोमीटर है, 15106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट वाटर इंडिया का और मैरीटाइम बाउंड्री कितनी है। अगर आपको कोई पूछे कि मैरीटाइम बाउंड्री कितनी है, तो मैरीटाइम बाउंड्री है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें से जो ये मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री या मैरीटाइम बाउंड्री मेन लैंड के साथ कितनी है, वो है अप्रॉक्सीमेटली 6100 किलोमीटर। एंड अगर इसमें से जो माइनस करके जो रेस्ट बाउंड्री बच गई वो हमारी है किसके साथ, आइलैंड के साथ। आइलैंड के साथ भी तो वाटर टच कर रहा है, तो ये मैरीटाइम बाउंड्री हो गई हमारी। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज इंडिया के साथ वाटर शेयर करती हैं लैंड बॉर्डर। फर्स्ट हम पहले टॉक करेंगे अबाउट लैंड बॉर्डर। तो कौन कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी बॉर्डर के साथ, इंडिया के साथ वाटर शेयर करता है अप्रॉक्सीमेटली 109 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन चाइना, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, तो हम देखेंगे लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सभी को लगता है कि चाइना के साथ इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर करता है, एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर। एंड सेकेंड वन इज चाइना, 3488 किलोमीटर, दिस इज वन इज यूनिट इज इन किलोमीटर। देन थर्ड लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद पाकिस्तान, देन नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, वो है अफगानिस्तान के साथ, नॉट विद भूटान। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि कितनी जो स्टेट्स हैं, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर विद बांग्लादेश। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। फर्स्ट
वेस्ट बंगाल ग्रीन, जितना भी पार्ट है ऊपर तक ग्रीन, ये सारा वेस्ट बंगाल। एंड देन मेघालय, दिस वन इज मेघालय, ठीक है। मेघालय, मेघालय में एक माउ सिंड्राम में एक प्लेस है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे मैक्सिमम रेनफॉल होती है, ठीक है। तो इंडिया में हमारे वो प्लेस है पूरे वर्ल्ड की जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, वो कहाँ पे है, मेघालय के माउ सिंड्राम में, ठीक है। देन असम, असम आल्सो शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। तो हाउ मैनी स्टेट्स, फाइव स्टेट्स, फाइव स्टेट्स शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, ठीक है। और इस जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, इसका स्पेसिफिक नेम है रेड क्लिफ लाइन, रेड CLIF क्लिफ, और रेड क्लिफ लाइन विद बांग्लादेश और आल्सो पाकिस्तान। बिकॉज हमें पता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो पाकिस्तान इन जो कंट्री थी पूरी इंडिया की टेरिटरी, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक इंडिया एंड सेकेंड वन ही पाकिस्तान, पाकिस्तान दिस वन एंड बांग्लादेश आल्सो इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। तो सो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो लैंड बाउंड्री है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। नाउ हम देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कितनी स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो टू यूटीज़ है, एक लद्दाख एंड सेकेंड वन इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड थ्री स्टेट्स पंजाब राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। और इसमें तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। थर्ड वन, थर्ड हमें पता है कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। तो चाइना को हम जब देखेंगे कि तो चाइना के साथ कितनी, वन यूटी लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं है। अभी बड़ी बात क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आता है कि क्या सभी को लगता है कि जम्मू कश्मीर भी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, लेकिन नहीं। अभी क्या है, 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर टू यूटीज़ में डिवाइड हो गया है, तो तब से चाइना के साथ जम्मू कश्मीर यूटी बॉर्डर शेयर नहीं करती है। अब कौन करता है, लद्दाख, लद्दाख वन यूटी एंड फोर स्टेट्स, फोर स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इस बॉर्डर को तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, थ्री सेक्टर्स। लद्दाख का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, कौन सा, वेस्टर्न सेक्टर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ है, इसको बोलते हैं मिडल सेक्टर, विच वन, मिडल सेक्टर, ठीक है। एंड अरुणाचल, इधर भूटान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। आपको ऐसे भी डायरेक्शन का पता है कि ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर एंड वेस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर ओनली विद लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड मिडल सेक्टर, मिडल सेक्टर एंड अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। और जो स्पेसिफिक जो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बॉर्डर टच करता है चाइना के साथ, उसको बोलते हैं हम मैकमोहन लाइन, मैक मोहन MOHAN मोहन लाइन, ठीक है। पूरे बॉर्डर को मैकमोहन लाइन नहीं बोलते हैं, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसका जो एरिया टच होता है, जो बॉर्डर है चाइना के साथ, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। अब हम देखेंगे बांग्लादेश से चाइना पाकिस्तान, अभी हम देखेंगे फोर्थ लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ कितने स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का भी थोड़ा सा पोर्शन नेपाल के साथ टच हो रहा है, इसका मतलब फाइव स्टेट्स, फाइव स्टेट्स शेयर्स बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है। एंड नेपाल और जो इंडिया का जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं पोरस बॉर्डर, पोरस, पोरस मीन्स जहाँ पे लोगों के आने जाने में इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। स्मूथ लोग आ जा सकते हैं इंडिया टू नेपाल एंड नेपाल टू इंडिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट बॉर्डर इज म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट, फोर स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, ये है म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, ठीक है। इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम। इधर से क्या है, इधर हिल्स,
इधर जो हिमालय से, हिमालय से इधर से ऐसे करके ऐसे आते हैं, ठीक है। तो हिमालय बाउंड्री बनाते हैं और इरावती रिवर बाउंड्री बनाती है, ठीक है, इधर। और उसके बाद आता है भूटान, ठीक है। भूटान के साथ कितने स्टेट्स वाटर शेयर करती हैं? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फोर स्टेट्स। एंड भूटान इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर, ठीक है। एंड भूटान का वाटर भी इंडिया के साथ क्या है? पोरस वाटर। पोरस मीन्स अभी मैंने बताया कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। फिर श्रीलंका, श्रीलंका के साथ हमारी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, जो हमारी है मैरी टाइम बाउंड्री। मैरी टाइम बाउंड्री मीन्स जो तमिलनाडु का जो इधर पोर्शन है, इधर रामेश्वरम एक आइलैंड है, रामेश्वरम आइलैंड से और श्रीलंका का एक प्लेस है जफना, JFFNA जफना, इन दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर का डिफरेंस है वाटर, शैलो एंड नैरो वाटर है इधर, जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, PLKSTRAIT स्ट्रेट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं पाक स्ट्रेट। और इधर ही तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के जफना के बीच में राम सेतु बिल्ड किया गया है, जिसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं, जिसको एडम्स ब्रिज, BRIDG ब्रिज भी बोलते हैं। नो नेक्स्ट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख चुटी जो वाटर शेयर करती है, ऐसे हमें लगता है कि अफगानिस्तान कहाँ इंडिया के साथ वाटर शेयर करता है, लेकिन एक्चुअली ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इधर इंडिया का एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, लेकिन इंडिया का क्लेम है, ठीक है, इंडिया का क्लेम है। इसकी वजह से हम क्या शो करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारा वाटर शेयर होता है, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है इंडिया विद बांग्लादेश, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ फाइव स्टेट्स, ठीक है, कितनी स्टेट्स? फाइव स्टेट्स। चाइना के साथ 1 जूटी एंड 4 स्टेट्स। पाकिस्तान के साथ 2 जूटीज एंड 3 स्टेट्स। नेपाल के साथ 5 स्टेट्स। भूटान 4 स्टेट्स। म्यांमार 4 स्टेट्स। श्रीलंका नो स्टेट, ओनली मैरीटाइम बाउंड्री पाक स्ट्रेट, ठीक है, एंड अफगानिस्तान 1 जूटी। वैसे देखा जाए, मैं क्यों बोल रही थी कि एक्चुअली देर आर नॉट ओनली 7 नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है, हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ लगती हैं, जैसे इधर म्यांमार, इस इधर इंडोनेशिया, इधर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साथ इधर क्या है मॉरिशियस आइलैंड्स, ठीक है। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन JKSSB आस्क्ड, दैट इज देखो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, जी जो 6 स्टेट्स हैं और एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जी जो स्टेट्स हैं ये किसी के साथ भी कोई बाउंड्री शेयर नहीं करी है, ना ही मैरीटाइम बाउंड्री ना ही कोई लैंड बाउंड्री, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड हरियाणा एंड दिल्ली, ठीक है। सो अगर अभी आपको कोई पूछे कि लैंड बाउंड्री कितनी स्टेट्स के साथ शेयर होती है, तो वो होती है 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। 16 स्टेट कौन कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, एंड सिक्किम। 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सिर्फ मैं किसकी बात कर रही थी? लैंड बाउंड्री की, ठीक है। तो ऐसे ही मैरीटाइम बाउंड्री के साथ भी अगर आपने देखा ना हो, तो मैरीटाइम बाउंड्री किस किस के साथ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड नागर एंड दादर हवेली एंड दिस वन इज जुटी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सब।
अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना सब लर्न कैसे करें, बस आप ये जो पॉलिटिकल मैप है ना इंडिया का, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अगर मैं जैसे मैं बोलूँगी तेलंगाना कहाँ है, तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि तेलंगाना कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। मैं बोलूँगी मेघालय कहाँ पे, मेघालय कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जो इस स्टेट्स विद इनकी कैपिटल्स आपके दिमाग में बिल्कुल एक फ्रेमवर्क की तरह आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज़ टोटल इंडिया का एरिया कितना है पूरे वर्ल्ड का, तो वो है 2.4%। 2.4% जो लैंड है वो इंडिया अक्वायर करता है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। सो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें जब कुछ भी कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी ठीक है, और गलतियाँ होंगी, गलती वैसे हो, ठीक है। तो आप बाकी कुछ भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय।